नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। चलो तो शुरुआत करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर आपको कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने पेपर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बीएससी सेकंड ईयर में आपको तीन पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तीन पेपर होंगे और तीनों 50-50 मार्क्स के होंगे, यानी 50-50 मार्क्स के तीनों पेपर होंगे, 150 मार्क्स के टोटल। और इसके अलावा 75 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल होगा इसके अलावा। तो टोटल मिला के कितने हो। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत कौन से टॉपिक है। सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट के अंदर जो चैप्टर है वो है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, जो डी ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं, जो बीच वाले एस वाले सबसे फर्स्ट दो रो होती है और पी वाले अंतिम वाली रो होती है, उसके बीच में जो एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर डी ग्रुप होता है, डी सेल होता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। उसके बारे में जो भी टॉपिक है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड यूनिट के अंदर कौन सा टॉपिक है, सेकेंड यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन कौन से, वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, दूसरी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका वार्नर थ्योरी का, ऑटोमिक नंबर कॉन्सेप्ट, ये सारे टॉपिक्स है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और तीसरा यूनिट है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कौन से टॉपिक है, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड, ये सारे तो टॉपिक्स है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं, जो यूनिट थर्ड का भाग है। फोर्थ यूनिट के अंतर्गत कौन से टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन सॉल्वेंट, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट यानी जिसके अंदर पानी का सॉल्वेंट नहीं हो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरफ आप समझते हो, सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में होता है उसे बोलते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं। पांच यूनिट कौन सी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके बारे में आपका जो प्रैक्टिकल होगा इसमें बहुत ये फायदेमंद होगा, ये चैप्टर अच्छी तरह से कर ले लीजिएगा आप। तो उसके में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, प्रिसिपिटेशन, को प्रिसिपिटेशन, पोस्ट प्रिसिपिटेशन, एरर इन केमिस्ट्री एनालिसिस, टाइप ऑफ एरर, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर का। और बुक कौन कौन सी आपको खरीदनी है इसके लिए, इनऑर्गेनिक के लिए जो बुक रिकमेंडेड होती है वो इसके प्रकाशक या राइटर का नाम दिया हुआ है, सत्य प्रकाश, बी आर पुरी एंड एल आर शर्मा, कोई भी आप एक ले लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक आती है सभी की। बस एक एक बुक लेनी है, बहुत सारी बुकें नहीं लेनी है जिससे आप कंफ्यूज हो जाएगा, सिर्फ एक बुक लीजिए और एक वो बार बार पढ़िएगा, अच्छी तरह समझ जाएगा। दूसरी जो दूसरा पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहले यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसके अंदर जो भी टॉपिक है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन लो, ये सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा यूनिट एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर सारे ये टॉपिक्स है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, वरना इसकी आप जो इसकी यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ ऑलरेडी दे रखी है। और फिनोन इसके अंतर्गत एल्कोहल फिनोल दो टॉपिक्स है, यूनिट सेकंड के अंदर एल्कोहल और फिनोल दो टॉपिक्स है, यूनिट थर्ड के अंदर एल्डिहाइड एंड कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन 12th में आप पढ़ चुके हैं, वो सेम है, थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके दिया हुआ है हाई लेवल की। और फोर्थ है कार्बोजैलिक एसिड, कार्बोजैलिक एसिड है। पांचवा है इथर एंड एक्सोसाइड, ओसी का टॉपिक है फोर्थ यूनिट की। और पांचवा जो यूनिट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे, एल्काइल, एराइल, एमीन, ये सारे टॉपिक्स है। और इसके लिए कौन सी बुक आपको खरीदनी है वो सारी दी रखी है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर थर्ड की, फिजिकल केमिस्ट्री की। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन सा है थर्मोडाइनेमिक्स, सेकेंड यूनिट के अंदर कौन सा है थर्मोडाइनेमिक्स सेकेंड, थर्ड यूनिट के नाम फेस इक्विलिब्रियम, फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और पांचवी यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, ये सारी जो टॉपिक्स है आप उस टॉपिक्स जो मैंने
मेन मेन टॉपिक्स बता दिए, उसके जो सब टॉपिक्स है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो बुक रिकमेंडेड होती है जो आप खरीदना चाहते हैं वो इसके नीचे दे रखी है, आप खरीद लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। और आप मैथ और फिजिक्स का जो चाहिए सिलेबस, तो नेक्स्ट वीडियो मैंने दे रखा है और इसकी जो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से जा कर के चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।